आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दशानन रावण की उस रक्ष संस्कृति से परिचित कराते हैं जिसे दशानन पृथ्वी पर बसे हुए देव, दैत्य, दानव, असुर, आर्य, वृत्य, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष आदि अनेक नरवंशों को एक समान वैदिक संस्कृति में दीक्षित करना चाहता था और इसी रक्ष संस्कृति को स्थापित करने के लिए दशानन ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। दशानन का मानना था कि हम सब प्रजापति ब्रह्मा के वंशधर हैं तथा एक ही पिता कश्यप से भिन्न भिन्न माताओं से दैत्य, दानव, नाग, असुर और आदित्यों की उत्पत्ति हुई है। इस कारण हम सब परस्पर सगे संबंधी हैं। इसलिए राक्षस राज दशानन नहीं चाहता था कि आदित्य, देव, दैत्य, दानव, नाग, असुर अपनी पृथक पृथक जातियां बनाएं, उनमें संघर्ष हो, युद्ध हो। अतः दशानन विश्व की नर जाति को एक ही संस्कृति के अधीन करना चाहता था और वह संस्कृति उसके द्वारा स्थापित की गई रक्ष संस्कृति थी, जिसका मूल मंत्र था वयम रक्षामः, यानी हमारी संस्कृति में सभी की रक्षा हो और जिसमें सभी का समावेश हो तथा उसकी संयुक्त जाति का नाम हो राक्षस। दशानन द्वारा लोकहित में रक्ष संस्कृति स्थापित करने के पीछे एक कारण यह भी था कि उस काल तक 13 दारुण देवासुर संग्राम हो चुके थे। यह संग्राम आर्थिक कम सांस्कृतिक अधिक थे। आचारों की भिन्नता ही नरवंश की इस विग्रह भावना का मूल कारण थे। नरवंश के आचारों का मूल उद्गम वेद थे, परंतु आर्यों ने वशिष्ठ जी के नेतृत्व में वैदिक विधि परंपरा को कुछ देवों और दैत्यों में प्रचलित कर दिया था। दूसरी तरफ महर्षि भृगु ने पृथक से एक अथर्वणी परंपरा प्रचलित कर रखी थी। जो इसे नहीं मानता था उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे बहिष्कृत अनेक आर्यजन दक्षिणारण्य तक तथा आसपास के द्वीप समूह में बस गए थे। अतः महापंडित दशानन इन सबको सांस्कृतिक रीति से एक वेद के अधीन कर समूचे नरवंश को समान वैदिक संस्कृति में दीक्षित कर उनमें समन्वय स्थापित करना चाहता था। वास्तव में यदि लंकापति दशानन की रक्ष संस्कृति को उस समय स्वीकार कर लिया गया होता तो आज न कोई पृथक पृथक जाति होती, न कोई पृथक पृथक धर्म, न कोई पृथक भाषा होती और न कोई पृथक आचार। दशानन ने अपनी रक्ष संस्कृति में केवल एक ही देव को स्वीकार किया था और वह थे इस चराचर ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव। महापंडित दशानन का मानना था कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही भगवान शिव द्वारा क्रमशः इस चराचर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम सब देव, दानव, दैत्य, असुर, आर्य, वृत्य, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष उन्हीं की संतान हैं। अतः हम आपस में एक दूसरे की पूजा अर्चना क्यों करें। उक्त त्रिदेवों सहित हम सब काल के अधीन अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अतः हमें अपने अपने व्यक्ति पूजन की अपेक्षा भगवान विश्वध्वज की पूजा करना चाहिए। सबको अपना इष्ट देव केवल महाकाल शिव को जानना चाहिए। आप विचार करें, क्या राक्षस राज रावण की यह सोच गलत थी? यदि उस समय इस बात को स्वीकार कर लिया जाता तो आज संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर जो विग्रह हो रहा है शायद नहीं होता। दशानन ने अपनी रक्ष संस्कृति में इस बात को प्रमुखता से रखा था कि एक स्त्री एक ही पुरुष से अनुबंधित हो। उस समय दैत्य कुल में भाई बहन, माता पुत्र में विवाह का प्रचलन था। देव कुल में भी वैयक्तिक विवाह का रिवाज नहीं था। सारी जीवन प्रणाली सामूहिक थी।
यौन संबंधों पर कोई रोक टोक नहीं थी, जहां पुरुषों के लिए भगिनीगमन और मातृगमन भी कोई दोषपूर्ण नहीं माना जाता था, वहीं स्त्री के लिए भ्रातृगमन और पितृगमन में भी कोई दोष नहीं था। उस युग में एक गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अपने को भाई बहन जान सकती थी, किंतु कौन किसके औरत से उत्पन्न हुआ है यह कोई जान ही नहीं सकता था। यही कारण था कि संतान का परिचय माँ के नाम अथवा कुल से होता था। उस युग में देवों और दैत्यों में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिता हो सकता था। अतः लंकापति दशग्रीव द्वारा इस स्वच्छंद यौनाचार को समाप्त कर दृढ़तापूर्वक पितृकुल से संतान की पहचान हो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी रक्ष संस्कृति में सर्वप्रथम किया था। आप दशानन रावण की दूरदर्शिता का तनिक अंदाज लगाकर देखें तो पाएंगे कि एक सभ्य समाज के निर्माण में महापंडित दशानन रावण का यह सिद्धांत कितना युक्तियुक्त था। दशानन के काल में राज्य के उत्तराधिकारी के विषय में जो प्रथा प्रचलित थी वह यह थी कि राजा के बड़े बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता था। दशानन ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए अपनी रक्ष संस्कृति में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि बड़े भाई के बाद राज्य पर उसके क्रमशः छोटे भाइयों का राज्याधिकार रहेगा, तदुपरांत ही बड़े भाई के बेटे को राज्य का युवराज नियुक्त किया जा सकेगा। वास्तव में यदि दशग्रीव रावण के उपर्युक्त सिद्धांत को लागू किया जाता तो देश के अंदर होने वाले षड्यंत्र संभवतः नहीं होते और राज्यों का विघटन भी नहीं होता। अतः आप स्वयं विचार करें कि क्या दशानन का यह सिद्धांत उचित नहीं था। यद्यपि दशानन की रक्ष संस्कृति में मानव जीवन को लेकर अनेक मानदंड और विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, तथापि विस्तार भय से वीडियो में उसे दर्शाना समीचीन प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वीडियो को यहीं विराम देते हुए अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें एवं दशानन के संबंध में अन्य रोचक किंतु सत्य जानकारी प्राप्त करने के लिए शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।